खड़ा हुआ, तो ये पानी निकालने का कोई तरीका नहीं क्या कर रहे हैं क्या? नहीं कोई तरीका नहीं, ना कोई आया हमारे पास कहने के लिए कि पानी निकालते हैं, ना आज तक किसी ने कोशिश की है। गांव वाले जाते हैं बोलते हैं जी आज आ रही है क्रेन आ रही है या पानी निकालेंगे, बस ये इसी तरह एक महीना गुजर गया हमारा। तो अभी पीने का पानी भी यहाँ नजर नहीं आ रहा है। पीने का पानी देख लें आपके सामने, ये बच्चे लेके आ रहे हैं पानी यहाँ से लेकर, वही गंदा पानी हम पी रहे हैं। ये एक वाटर पंप दिया इन्होंने ये साफ करने के लिए, वो भी बारिशों का पानी उसमें जमा हुआ है, वही साफ करके पी रहे हैं हम। कोई और घर बहुत से मैंने देखे यहाँ गिरे हुए हैं, तो जी टेंट या खेमे भी नजर नहीं आ, कुछ भी नहीं दिया किसी ने, कुछ नहीं दिया। राशन जो आता है वो नाम लिख के ले जाते हैं और उसके बाद कोई राशन नहीं है। ये फौजियों ने जो राशन 3-4 मरतबा दिया, उसके अलावा किसी ने नहीं दिया। वो एक कार्ड बनाने वाला है जी, कार्ड बनाते हैं आपके, आपको मिलेगा, वो भी आज तक किसी ने पूछा ही नहीं हमें। कार्ड बन गए हैं लेकिन जाते हैं वो बोल देते हैं कि ये कार्ड अभी तक राशन नहीं आया है, कोई ना राशन देने वाला ना कुछ है। गरीब आदमी यहाँ पे अभी हमें अपने बना के लगाए हुए हैं, कपड़ों के बना के हमने लगाए हुए हैं, अभी फिर बादल आ रहे हैं ऊपर से, ये बारिश होगी तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं आ रहा जी। आप भी पानी भर रहे हैं जी? पानी भर रहे हो? हमारा स्कूल पानी से भरा हुआ है, भरा हुआ है स्कूल में, पानी भरा हुआ है जी। तो पानी निकाल नहीं रहे हैं कोई? नहीं। तो आप कितने, 4-5-6 माह हो गए अभी स्कूल बंद है, आप 6 माह से स्कूल नहीं गए? नहीं। जिस गांव के सबसे ज्यादा चंगे मोड़ हो ना उस गांव के साथ ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ कोई भी निजाम नहीं है, जो पैसे आते हैं हमारे शहर के डीसीओ ने सब खा लिए। तकरीबन 44 करोड़ रुपए आया था हमारे जो सेम नाले है ना इनके सफाई के लिए, सफाई हुई नहीं, वो पानी जो ओवरलोड हो गया, इस वजह से हमारा गांव सारा डूब गया, ये हमारी तकरीबन पूरी कॉलोनी डूब गई थी, जिस वजह ये हालात है। अभी 10 वाले हमारा पानी नहीं निकलने दे रहे, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं, कोई भी जो हमारा MN है MP है ना कोई भी नहीं, इधर हमारे गांव में कोई भी नहीं आया। अभी वोटिंग की जो शुरू हो रहे हैं ना जलसे जुलूस, इस वजह से अभी थोड़ी कंपेन उन लोगों ने चलाई है, तो अभी भी वो शनाती कर लिया जी, ऐसे कर लो वैसे कर लो। पीने का पानी भी हमने देखा कि आपके गांव में नहीं आया। नहीं, नहीं, पीने के पानी की बिजली खराब है, तकरीबन 3 माह हो जा रहे हैं बारिशों को ना, बिजली ठीक नहीं की। वहां से आपको जब शहर से निकले होंगे रास्ते में आपको देखा होगा खंभे गिरे पड़े हैं, तारे टूटी पड़ी हैं, बिजली नहीं आई। अभी यह भी बिजली हमें जो पानी जो सेम निकालने वाला पानी होता है ना उसकी बिजली दी हुई है ट्यूबलों की, और ये अभी फौजी लगा के गए फिल्टर प्लांट, इसकी भी बिजली पूरी नहीं हो रही है, बंद पड़ा हुआ है, तालाब में पानी साफ नहीं है, ये अभी भी घर जाके उबाल के पीते हैं, गैस भी जो वो भी सही नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। आपके घर कहीं गिरे हुए हैं तो उनको खेमे भी हमें नजर कहीं नहीं आ रहे, तो खेमे भी नहीं दिखे घर, बस खेमे लोगों जिनको मिले उन्होंने अपने घरों में रख लिए, कुछ यार दोस्तों को दे दिए, बाकी घरों में पड़े हुए राशन भी घरों में पड़ा हुआ है, गरीबों को कुछ भी नहीं दिया इन लोगों ने। सर ये पानी जैसे सेम नाले का आया है पूरे गाँव को डुबो दिया, और ये जो पानी सामने सेम नाले को हाथ से तोड़ा गया, तकरीबन हमारा 9-10 ये जो दोनों गाँव है ये डूब गए। उसके अलावा ये जो पीने वाला पानी है ये पाइप लाइन वहाँ से ही आ रही है सिम नाले के पास, हमारा तालाब दूसरा बना हुआ है ठीक है, वो भी सारी डूबी, उसमें गंदा पानी भर गया। अभी क्या कि जिधर मोटरें लगी हुई हैं वो भी डूबी हुई हैं। अभी कोशिश ये है कि ये पानी अगर ये आके निकालें, कोई भी निकालने के लिए तैयार नहीं है। वो चाचा जहीर है राजा इधर हमारे गाँव में, वो बेचारा बहुत भाग दौड़ करता है, ये अभी फिल्टर प्लान भी वो लेके आया उसने इधर लगवाया, तो अभी इसकी भी जो बिजली है वो ली हुई है स्कूल से ठीक है ना। उधर अगर बिजली लगाते हैं वो मोटरें डूबी हुई हैं, अगर वो चल जाएं ये पानी निकले तो वो पाइप लाइन हमारी साफ हो जाए, हमारे ये गांव वालों को पानी पीने के लिए जो है सहूलत हो जाए। हमें कोई सहूलत नहीं है, वो सामने हमारा घर है वो परली तरफ डूबा पड़ा, ये जो टेंट लगा हुआ है ये अभी हम लोगों ने ले कर लगाया, तो पूरे ये जो 2-3 माह इधर ही बैठ के हमने गुजारे। बाकी घर भी बहुत हमने देखे गिरे हुए हैं, तो जी हमने भी कहीं नहीं देखे घर भी गिरे हुए। अभी क्या है कि जो खातेदार है उनके गिरे हुए थे, काफी चले गए, उन्होंने अपने घर बना के जो खेमे मिले वो अपने किसी रिश्तेदारों को दे दिए, किसी को नहीं मिले वो अपने घरों में बैठ गए। हमारा घर जो है वो अभी भी देखो 3 फुट पानी खड़ा हुआ है आपके सामने, कोई भी आने जाने का यहाँ से ये जो है ना रोड जा रहा है ये डूबा हुआ, वो गेट लगा हुआ है वाटर सप्लाई का सामने, वो हमारा घर है, तो जाने के लिए रास्ता नहीं। अभी हमने वो देखो खेमे ऊपर लगाए हुए हैं तालाब के ऊपर, पीने का पानी वही है जो हम लोगों ने संभाल के रखा हुआ पी रहे हैं, और कोई हमारे पास ऐसा रास्ता नहीं। बारिश का मिक्स पानी को जी जी वही पानी है। अभी जो है ना वो चाचा जहीर वो उसने बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी ये पानी जो है ना निकालने के लिए हमारे को इधर से अगर ये उस नाले में निकल जाए तो बहुत अच्छा ये निकल जाएगा, कब्रिस्तान वो भी डूबा पड़ा है, तो कोशिश तो कर रहे हैं अभी वो। अभी वो एक बंदा कोशिश करता है, दूसरा बंदा कोई कैसे करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं।
दिन में 5-6 मरतबा भरते हैं तकरीबन। तो वहाँ अंदर गांव में पानी नहीं आता क्या? नहीं, वाटर सप्लाई का नहीं आता, ये गंदा पानी जाता है, इसलिए वाटर सप्लाई बंद है। तकरीबन चल जाएगी महीने दो में। महीने दो में? हाँ। 5 महीने से बंद है? हाँ, 5 महीने हो गए तकरीबन बंद। ये तो साफ नहीं है क्या? फिल्टर प्लांट लगाया उससे? इसीलिए तो फिल्टर प्लांट लगाया, पीने के लिए साफ पानी पी सके। ताकि पढ़ते नहीं हो? पढ़ता हूँ स्कूल। स्कूल में पानी भरे हुए? हमारा स्कूल 3 जगह, उधर पढ़ते हैं हम। अभी स्कूल नहीं गए? नहीं, छुट्टी हो, पानी भर रहा हूँ। बारिशों के बाद देखिए 4 माह गुजर गए, लेकिन 9-10 चक्के हैं जैसे ये पानी से भरे हुए, पानी नहीं निकल रहा। क्या मसला है? पानी ये इंतजामियों का काम है, निकालना भी है, नहीं निकाल रहे भी, इनों की मर्जी है। और आपके पास पीने का पानी भी? पीने के लिए हम तकरीबन रोज 1 गैलन से ज्यादा भरते हैं पानी। तो वो भी ये बारिश का पानी? बारिश का पानी मिक्स है, बस मजबूरी है पीना पानी, और क्या करें भी, प्यासे तो नहीं मर सकते। उसके अलावा आप घर भी गिरे हुए? सारे घर गिरे हुए। नजर नहीं आ रहे? कुछ भी नहीं नजर आ रहा, बस जो जिसको मिलता है वो खा रहा है। अच्छा, पानी निकालने का क्या तरीका, किस तरह ये पानी कहाँ से निकलेगा? ये पानी तो निकलेगा, हर मरतबा निकालते हैं, हर मरतबा बारिशें आती है, हर मरतबा पानी निकालते हैं, लेकिन अभी नहीं निकाल रहे ये पानी। इंतजाम में कोई आई है, कुछ पूछा है किसी ने? कोई भी नहीं आया इधर, कोई पूछने नहीं आया इधर। गर्मी गोद या कंबल दिया बनते, और ये इलाके आप कशक बीते। सर्वर बलोच, वश न्यूज़, सांगढ़।